नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया शो लेकर आया हूँ, सीधी बात दिल की आवाज़। इसमें हम जो भी बात करेंगे ये पूरा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बेस होगा। सो आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना बॉयकॉट के ऊपर, कितना ज़रूरी है और इसका क्या असर होगा हमारी ज़िंदगी पर। तो आज हम बात करते हैं हमारा पहला टॉपिक, ट्रेड वॉर। सो दोस्तों, हम जान लेते हैं पहले ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग इज लाइक कि जो सामान इंपोर्ट करते हैं एक देश से दूसरे देश में, वो होता है ट्रेडिंग। और इसमें जब ट्रेडिंग वॉर में कैसे काम करता है, वो ट्रेडिंग वॉर में काम करता है जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो सामान इंपोर्ट करती है उस पर जो टैरिफ या टैक्स लगता है उससे होता है ट्रेडिंग वॉर, आप कह सकते हैं। जैसे कि 2018 में US ने चाइना के ऊपर ट्रेडिंग वॉर किया था, जिसने उन्होंने अपने सारे इंपोर्ट्स पे, चाइना के सारे इंपोर्ट्स पे उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए थे, टैक्स बढ़ा दिए थे, जिस कारण जो चीप कॉस्ट में मिलने वाला सामान है वो अब मिलने लगा बहुत एक्सपेंसिव में, जिस कारण लोगों ने उसे खरीदना कम कर दिया, जिसके कारण US में ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं US और चाइना का। चाइना ने भी अपना टैरिफ बढ़ा दिया US के लिए, तो ज़्यादा दोनों का इक्वल बराबर हो गया, दोनों ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिए इंपोर्ट्स पे, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान US को तो नहीं हुआ पर चाइना को भी नहीं हुआ। चाइना ने 1% का लॉस झेला और US ने 0.9% का लॉस हुआ उसको इस ट्रेडिंग वॉर में। उसके बाद चाइना ने US के साथ हाथ मिला लिया एंड US ने अप्रूवल कर दिया, साइन कर दिया कि वो अपना ट्रेडिंग अपना जो प्राइस है टैरिफ का वो कम कर देगा। सो दोस्तों, अगर इंडिया करती है ट्रेडिंग वॉर चाइना के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा, अगर हम पूरा बैन कर देते हैं ट्रेडिंग, तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस इंडिया का होगा, क्योंकि 70 अगर आप देखेंगे पिछला आंकड़ा तो उसमें आपको दिखेगा कि चाइना सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में अपना सामान इंपोर्ट करती है इंडिया को, और इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो उसका अमाउंट बहुत कम है चाइना के कंपेयर में। जैसे कि चाइना ने किया था 70 मिलियंस का ट्रेडिंग इंपोर्ट एंड वहीं पे इंडिया ने किया था 16.7 मिलियंस का इंपोर्ट। सो आप रेशियो देख के समझ सकते हैं कि क्या रेशियो है एक दूसरे के बीच में। आपको मैं कुछ फोटोज़ दिखा देता हूँ, आप उसमें देख लीजिए कि किस तरह से उनका इंपोर्टिंग होता है हर साल। 2012-2013 में आप देख सकते हैं चाइना ने जहां इंपोर्ट किया है $28 बिलियन, वहीं पे इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है $6.4 बिलियन, कितना डिफरेंस। तो दोस्तों, आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग अपने फ़ोन तोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उससे चाइनीज़ को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, उसका नुकसान सिर्फ डायरेक्टली आपके पॉकेट में या आपके सामानों पर होगा, क्योंकि आपने उसका पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं चाइनीज़ कंपनीज़ को, सो उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप तोड़ने की जगह पे नेक्स्ट टाइम कभी कुछ चीज़ बाय करने जाए तो प्लीज़ चेक कर ले कि वो मेड इन चाइना ना हो या फिर वो चाइनीज़ कंपनी का ना हो, सो उससे आप अपने चीज़ों से बचा सकते हैं। और इंडिया में या बाहर में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जैसे कि सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, एप्पल हो गया, या फिर अपनी इंडियन कंपनी बोल लीजिए माइक्रोमैक्स एक्सेट्रा, ऐसे देर आर ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट आप खरीद के यूज़ कर सकते हैं अ पार्ट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदने की जगह पर नेक्स्ट टाइम। तो आप जलाइए मत, तोड़िए मत, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, तो प्लीज़ उसका थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि उसका नुकसान डायरेक्टली आपके पास होगा। देख सकते हैं 76% मार्केट में जो फ़ोन है चाइनीज़ मेड है, और चाइनीज़ का फार्माटिकल इंडस्ट्री, सो बेसिकली दो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चाइना में आता है, जैसे कि फार्माटिकल्स हैं और अपना फ़ोन और टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रॉनिक, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल्स के सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स इंडिया में होते हैं। डायरेक्ट बैन करने से पहले उसका मैं ये कहूँगा कि आप पहले उसका रिप्लेसमेंट देख लें, उसका कोई अल्टरनेटिव हो या एक प्रॉपर प्लान हो, तब जाके हम उसे डायरेक्टली बैन कर सकते हैं या डायरेक्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप अभी के लिए स्टॉप करना चाइना के सारे ट्रेडिंग को मुझे नहीं लगता कि ये सही प्लान है। सो हाउ टू बॉयकॉट चाइना।
चाइना को बॉयकॉट करने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास दो तरीके हैं। वन इज हार्डवेयर, जिसका मैंने बता दिया हम डायरेक्टली अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते कि हार्डवेयर में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी कंप्यूटर्स में जो चिप्स लगते हैं, हार्डवेयर लगते हैं, या आप कहते हैं फ़ोन की जो हार्डवेयर है, कुछ भी अलग एक्स्ट्रा चीज़ है, वो बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती है और अभी फ़िलहाल हमारे पास उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो हमें वही चीज़ यूज़ करना होगा। जैसे कि सैमसंग भी चाइना से प्रोडक्ट लेता है, हर एक चीज़ डेवलपमेंट करता है। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ऐप्स। तो चाइना काफ़ी ऐप्स डेवलप करता है और हम इंडियंस काफ़ी ऐप लेते हैं, जैसे कि हमें आपको हम वो ऐप बैन कर सकते हैं और हम एक खुद का प्रोडक्शन, खुद का न्यू डेवलपमेंट ऐप बना सकते हैं, अल्टरनेटिव ऐप्स फॉर। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज और ऐप्स जिसमें चाइनीज कंपनीज के इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, मैं आपके साथ चार लेवल शेयर करना चाहता हूँ चाइना के लिए, जैसे जिसमें हम बैन करने के लिए फोकस कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेवल है चाइना कंपनी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। दूसरा है मेड इन चाइना, चाइना प्रोडक्ट और चाइना इन्वेस्टमेंट। सो अब जब भी कोई बैन करने जाए चाइनीज़ का, डायरेक्ट हम बैन नहीं कर सकते, तो अगर हमें कुछ चीज़ देखना है तो हमें ये चार पैरामीटर्स पे देखना होगा, और अभी फ़िलहाल के लिए तो तीन पैरामीटर्स, जैसे कि हो गया मेड इन चाइना, चाइना इन्वेस्टमेंट और चाइना प्रोडक्ट, अभी हम तो डायरेक्ट बैन नहीं कर सकते, डायरेक्ट स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हम जो चाइना चाइनीज़ कंपनी है हम उनको बैन कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको हम बैन कर देते हैं तो काफ़ी हद तक धीरे स्लो हो जाएगा और हमारी कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर पाएगी। हमें सिर्फ हमारे ग्रोथ पे ज़्यादा वर्क करना होगा कि जिसमें हमारी कंपनी, हमारे यहाँ पे काफ़ी कंपनी ग्रो करे, काफ़ी नई कंपनीज आए, स्टार्टअप्स हो, जिस कारण हम काफ़ी आगे बढ़ पाए। ये है जो लिस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज के इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको सब प्राइस मिल जाएंगे जिसमें जितने सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उन्होंने। इसी रही अभी इन्वेस्टमेंट की बात, जैसे कि चाइना इन्वेस्ट करती है इंडियन कंपनी पे, तो उस पर उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 10-15% का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे उतना शेयर उसको जाएगा नहीं, लेकिन जहाँ पे वो 40-50% शेयर करता है या ज़्यादा शेयर होल्डर होता है, तो वो अपने सारे कोई भी राइट्स, कोई भी डेटा अपना परचेज कर सकता है। वो अगर रिक्वेस्ट कर, वो अगर बोलेगा तो कोई भी कंपनी को वो शेयर, वो सारा डेटा उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा। बट अगर वो 10-15% है, हमें उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़्यादा है, 40-50% है, उससे भी ज़्यादा, तो हमें कोशिश करना है कि सारी इंडियन कंपनी, स्टार्टअप हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, कि वो अपने शेयर्स ज़्यादा ना दे। अगर इन्वेस्टमेंट अगर मिल रहा है आपको, तो हमें इन्वेस्टमेंट पर इनको थोड़ा रोकना होगा कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर सके, कि जिससे उनका राइट्स कम हो, उनकी शेयर्स कम हो, जिसमें उनकी प्रॉफिट कम हो हमारी तरफ से। हमारी इंडियन कंपनीज को थोड़ा ध्यान देना होगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे, थोड़ा सा कंट्रोल करें। और चल रहा है चाइनीज फूड बंद कर दे, तो मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो चाइनीज फूड होता है हमारे इंडिया में, वो चाइना मेड नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सिर्फ चाइनीज का टैग लगा के दे रहे होते हैं। चाइना फूड सिर्फ जो नूडल्स आप कहते हो, नूडल्स हमारे इंडिया में डेवलपमेंट होता है, उसका प्रोड्यूस होता है, उसके बाद सारे मसाले, हर एक चीज़, उसकी टेस्ट, कुक सब इंडियंस होता है। उसकी एम्प्लॉयमेंट, जो बना रहा है वो खुद इंडियन है, उसके स्टॉल्स इंडियन है, उसके नूडल्स जो बन रहे हैं वो इंडियन है, उसके मसाले जो हैं वो इंडियन है, उसके टेस्ट इंडियन है, तो उससे चाइना का कोई रिलेट नहीं। चाइना का फूड और इंडियन चाइनीज फूड, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट्स लाइक कि हमारा आसमान में तो इनके ज़मीन पे, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो चाइनीज़ फूड को बंद करके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि नूडल्स अगर आप देखेंगे, नूडल्स कोरिया में भी मिलता है, ताइवान में भी मिलता है, जापान में भी मिलता है। सो आप वो चाइनीज़ नूडल्स नहीं हो गया, तो आप उससे बिल्कुल ये ना करें। आप उसका दुकान तोड़ के, काफ़ी लोग दुकान तोड़ रहे हैं, काफ़ी लोग दुकान ये कर रहे हैं, कह रहे कि बंद कर दो, तो उससे हमारे इसमें जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रहा है, जो कुछ कमा रहे हैं उससे, वो सब बंद हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि वो सब ना करें, क्योंकि उसका सब प्रोडक्शन तो हम इंडिया ही करता है, तो जब वो अपना आ रहे हैं, खुद का मेड इन इंडिया है, तो हमें उसे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आखिरी टॉपिक पर आपको लेकर जाऊँगा, वॉट कैन कंपनी डू। इसके अंदर हमें मोस्टली देखना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट को कि फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट करे दूसरी कंट्री के साथ, जिससे जैसे कि अभी हुआ था जब यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा था, तो बहुत सारी चाइनीज़ मतलब अदर कंपनीज़
वियतनाम की तरफ मुड़ गए, इंडिया का ऑप्शन को नाश देखते हुए वियतनाम की तरफ मुड़ गए, क्योंकि वहाँ पे वियतनाम ने बहुत कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट से हमें एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि बहुत सारी कंट्री आपके पास हमारे पास खुद आती है, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग में जो टैक्स और टैरिफ लगता है, एक तो वो फ्री हो जाता है या बहुत नाम का रहता है, जिससे प्राइस सस्ती हो जाती है, उनका वो अपनी कंपनी लेकर आ सकते हैं, वो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और वो सेल कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा उनकी भी होती है और हमारा भी ज़्यादा, हमारा भी इस लाइक कि प्रोडक्शन का इंडस्ट्रियल हब बनता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट्स मिलते हैं और वो प्रोडक्ट हमें भी सस्ते में मिलता है। तो हमें मोस्टली फोकस करना होगा, हमारे गवर्नमेंट को भी फोकस करना होगा कि वो काफ़ी अपने पड़ोस के लोगों, अपने पड़ोस की कंट्रीज़, अपने दूसरे अदर कंट्रीज़ के साथ जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, वो एक फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन करें, जिसके कारण हमें और हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा हो और बहुत सारी कंट्रीज़ हमें एज सेकेंड ऑप्शन देखे। अगर वो कंट्री से वो निकलना चाहते हैं तो उसके बाद उनको सेकेंड ऑप्शन दिखे हमारी कंट्री, जिसमें हमारा जो ट्रेडिंग का जो ये है चार्जेस है वो फ्री हो। मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ आज का। होप आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको कुछ, आपके कोई राय है, कुछ कमेंट्स है, प्लीज़ मेंशन करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं, मुझे शेयर करें मेरे साथ, मैं ज़रूर आपके साथ वो बातें लेकर आऊँगा, ट्रू फैक्ट के साथ, रियलिस्टिक के साथ, सही आंकड़ों के साथ, जिसके कारण आपको एक प्रॉपर आइडिया मिले, प्रॉपर एक नॉलेज मिले। और मेरा एक लास्ट कंक्लूजन यही रहेगा कि हम टोटली 100% बैन नहीं कर सकते चाइना को, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे हम अपने डेवलपमेंट में, हमारे ग्रोथ के लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी इंडिया खुद डेवलप करे, ग्रोथ करे, तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। इसके साथ मैं थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।